ओम शांति, नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष बातें मुलाकातें कार्यक्रम में, और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। आज हम लोग 301 इस एपिसोड में प्रवेश कर रहे हैं, और खुशी की बात है कि आज के इस एपिसोड को सजाने के लिए हमारे साथ मुंबई से कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। बीके शिव नेहा जी, जिन्हें आप अच्छी तरह से जानते हैं, वो हमारे साथ हैं, और उनके साथ सुनील माली जी उपस्थित होंगे थोड़ी देर में, और इसके साथ में हेमलता जी हमारे तरंग फैमिली के मेंबर हैं, उनका भी स्वागत है। और चलिए, आज हम लोग कुछ खास बातें आपसे जो शेयर करने वाले हैं। आपने पोस्टर भी देखा होगा जिसमें हमने सुनील माली जी से बात करने की बातें उसमें बताई गई हैं, और ख़ास जब हम लोग बातें होती हैं तो बातें करने में किन चीज़ों को हमें ज़्यादा हाईलाइट करना है ये हमें देखना होता है कि हम किन व्यक्तियों से बात करते हैं, किस तरह की बातें करते हैं। तो आजकल हमारी यूथ काफ़ी है, और यूथ जो है खास करके करियर से रिलेटेड बातें उनको अच्छा लगता है, क्योंकि उनका करियर बनना होता है एग्ज़ाम्स के बाद या पढ़ाई के बाद, वो कहीं ना कहीं अप्लाई करते हैं, तो उसमें कैसे सुचारू रूप से वो अपना करियर बना सकें, इसके लिए एक छोटा सा ट्रेनिंग पीरियड हो या ट्रेनिंग मिल जाए, ट्रेनिंग का पार्ट उनका पूरा हो जाए तो बहुत अच्छा होता है। ट्रेनिंग में उन्हें प्रॉपर गाइडेंस मिल जाता है कि कैसे हम अपने करियर को आगे बढ़े। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग फॉर यूथ, इस टाइटल पर हम लोग सुनील जी से बातें सुनेंगे, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की काफ़ी अलग अलग तरीके हो सकते हैं। स्टार्टअप भी हो सकता है, जिसके बारे में आप ये शब्द तो न्यूज़ में सुनते ही हैं, लेकिन क्या स्टार्टअप है, कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग सुनील जी से बातें करेंगे। वो आ जाएंगे, उनका भी स्वागत है। तो आइए, आज के शो में हमारे साथ सुनील जी थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे और फिर आ गए हैं। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस प्रोग्राम में, और चलिए कार्यक्रम की शुरुआत में मैं चाहूँगा कि हेमलता जी हमारे दोनों गेस्ट का स्वागत करें एक सुंदर गीत के माध्यम से। जी सर, जी सर, आज जन्माष्टमी है तो मैं कृष्ण जन्म का एक गाना गाऊंगी, ठीक है सर? बिल्कुल, सुनाइए, स्वागत है। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा, वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा, मन ही मन क्यों जले राधिका मोहन तो है सबका प्यारा, मन ही मन क्यों जले राधिका मोहन तो है सबका प्यार, वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा। जमुना तट पर नंद कलाला जब जब रास रचाए रे, जमुना तट पर नंद कलाला जब जब रास रचाए रे, तन मन डोले काना ऐसी बंसी मधुर बजाए रे, सुध बुध भोली खड़ी गोपिया जाने कैसा जादूगर, वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा। रंग सलोना ऐसा जैसे छाई हो घुट सावन की, रंग सलोना ऐसा जैसे छाई हो घुट सावन की, तेरी मैं तो हुई दीवानी मन मोहन मन भावन की, तेरे कारण देख सावरे छो
सारा वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा मन ही मन क्यों जले राधिका मोहन तो है सबका प्यारा वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा। थैंक यू मैम। हेमलता जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना जी, मधुर है। और जन्माष्टमी के दिन आपने जो गाना भेजा वो भी बहुत ही अप्रोप्रिएट था, बहुत बहुत धन्यवाद जी, शुक्रिया। आइए सुनिए, सुनील माली सर आ गए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। सुनील जी बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस प्रोग्राम में, और मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में कुछ बातें बताइए। वैसे आप यूथ को ट्रेनिंग करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए काफी काम किया है, बहुत सारे बच्चों को आपने एम्प्लॉयमेंट दिलवाया भी है, उन्हें अपने पैरों पे खड़ा किया है और एक अच्छे लेवल पे बच्चे आपका ट्रेनिंग होने के बाद पहुंचे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप इस फील्ड में कैसे आपका आना हुआ, आपकी स्टोरी जरूर बताइए, फिर उसके बाद हम लोग यूथ का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट किस तरह से हो सकता है इसके बारे में बातें करेंगे। जी नमस्कार, मेरा नाम सुनील माली है, मैं बैंक ऑफ बड़ौदा आरसीटी रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एज अ डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। मैं पिछले 3 इस फील्ड में हूँ, तो इस संस्था के बारे में बताना चाहूँ तो ये एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो कि रूरल क्षेत्र के युवान जो है उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए मोटिवेट करती है और अलग अलग 7 प्रकार की ट्रेनिंग भी देती है। आजकल देखा जाए तो भारतवर्ष में पूरे हर साल लाखों युवान इस एम्प्लॉयमेंट की फील्ड में उतरते हैं, लेकिन हर किसी को अपना मन चाहा जॉब नहीं मिल पाता, तो वो हताश होके फिर इधर उधर भटकते हैं। तो इन सब के लिए पूरे इंडिया में अलग अलग ऐसे इंस्टीट्यूट है जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ट्रेनिंग करती है। हमारा जो इंस्टीट्यूट है आरसीटी जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा चलाया जा रहा है, ऐसे पूरे देश में 585 जितने सेंटर्स है अलग अलग बैंकों द्वारा चलाए जाते हैं और हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये सेंटर होता है। ये सेंटर शुरू करने का शुरुआत 1982 हुई, 1982 में धर्मस्थला के श्री मंजुनाथेश्वर उनके जो ट्रस्टी है पद्म भूषण श्री वीरेंद्र हेगड़े जी, इन्होंने ये सोच के ये इंस्टीट्यूट चालू किया, उनके साथ बैंक जुड़े हुए थे। 1982 में ऐसा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का उन्होंने स्टार्ट किया, उसका सक्सेस देख के उन्होंने और ऐसे इंस्टीट्यूट उन्हीं दो बैंक के साथ जुड़ के पूरे इंडिया में अलग अलग जगह पे किया, टोटल 27 किए। तो ये 27 इंस्टीट्यूट का सक्सेस देखने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यही मॉडल पूरे हर देश में हर एक डिस्ट्रिक्ट में रिप्लिकेट किया, और जिस डिस्ट्रिक्ट में जो भी लीड बैंक काम कर रही है उस बैंक को यह संस्था चलाने की जवाबदारी दी। तो इस तरह आज हमारे भारतवर्ष में 585 जितने ऐसे आरसीटीज काम कर रहे हैं जो कि जिनका मेन फोकस है रूरल यूथ को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ ले आना और उनकी इच्छा या उनके एक्सपीरियंस के अनुसार उस एरिया की नीड के हिसाब से उनको देना, और सिर्फ ट्रेनिंग नहीं तो आगे एक साल तक उनका हैंड होल्डिंग भी करना है। तो हम ये देखेंगे कि ये आरसीटी जो काम कर रही है क्षेत्र में वो खास करके फोकस रहेगा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ना कि वेज एम्प्लॉयमेंट और रूरल यूथ। जी रमेश जी,
जी शिव नेहा कुछ सवाल पूछिए आप। थैंक यू सुनील माली जी, जो आपने हमारी एक ही रिक्वेस्ट के ऊपर ये प्रोग्राम में आपने पार्टिसिपेट करने का डिसाइड भी किया। आपने जैसे बताया कि आप यूथ को जो सेल्फ डेवलपमेंट ट्रेनिंग देते हैं, तो कौन से टाइप की ट्रेनिंग आप देते हैं? मतलब कौन सी शायद जॉब के लिए आप उन्हें तैयार करते हैं, या फिर उनके कोई ऐसे छोटे मोटे बिजनेस के लिए आप तैयार करते हैं, तो किस टाइप की ट्रेनिंग आपकी होती है? थोड़ा डिटेल में हमें बताएंगे तो अच्छा रहेगा। नेहा जी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। आपकी जो ट्रेनिंग आप जो कर रहे हैं, तो किस टाइप की ये ट्रेनिंग आपकी है, कि जिसमें आप कौन से टाइप की ट्रेनिंग लोगों को देते हो, यूथ को बेसिकली? मतलब जैसे बैंकिंग सेक्टर का ही है, या और कोई ऐसी ट्रेनिंग देते हैं जिनसे वो अपने आप एक अपना बिजनेस शुरू कर सके, ये टाइप की आप ट्रेनिंग देते हैं? जी मैं बेसिक से फिर से एक बार बताता हूँ। जी जो इंस्टीट्यूट है इसका मेन उद्देश्य है कि इंटेंसिव और रेसिडेंशियल ट्रेनिंग जो कि इंस्टीट्यूट में होती है, और मेन है शॉर्ट ड्यूरेशन, इंटेंसिव शॉर्ट ड्यूरेशन और रेसिडेंशियल ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग जो है 6 दिन से लेकर 45 दिन की होती है, और मेनली फोकस रहता है कि ये रेसिडेंशियल। तो इसका मेन इफेक्ट ऐसा रहता है कि जो इवन अपने आजू बाजू के एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ है, वहां से वो निकल के इंस्टीट्यूट में आए और सिर्फ फोकस करे कि उसको सेल्फ डेवलपमेंट में क्या करना है और किस टाइप की ट्रेनिंग उसको लेनी है, उसी को फोकस करे। ट्रेनिंग के बारे में बताया जाए तो ट्रेनिंग 4 अलग अलग ट्रेड में डिवाइड की गई है। जैसे कि पहला है एग्रीकल्चर, जिसमें डेयरी, पोल्ट्री, फिशरीज, मशरूम कल्टीवेशन है, या हॉर्टिकल्चर है, नर्सरी है, इस टाइप के ट्रेनिंग आते हैं जो कि 10 से। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट में देखा जाए तो टेलरिंग आता है, मेन्स एंड वुमेन्स टेलरिंग। उसके बाद अचार पापड़ मसाला पाउडर बनाने की, अगरबत्ती है, मेणबत्ती, साबुन, फिनाइल, सॉफ्ट टॉयज, ऐसे अलग अलग ट्रेड प्रोडक्ट में आते हैं। तीसरा टाइप आता है प्रोसेस, जिसमें कि सभी प्रकार की सर्विसेज आती है, जैसे ब्यूटी पार्लर हो गया, मेंस पार्लर और वुमेन्स पार्लर दोनों आए उसमें, टू व्हीलर रिपेयरिंग है, मोटर रिवाइंडिंग है, टीवी फ्रिज रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, इस टाइप के सभी सर्विस सेक्टर इसमें कवर किए गए हैं। और चौथा पार्ट आता है जनरल ईडीपी, जो कि किसी भी उद्यमिता के बारे में बेसिक ट्रेनिंग की गई। तो ये 4 ट्रेड में मिला के टोटल 60 टाइप की अलग अलग ट्रेनिंग है, जो एमओआरडी ने, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने डिजाइन की गई है। उसका शेड्यूल डे वाइज और सेशन वाइज डिजाइन किया हुआ रहता है। तो ये 60 के 60 ट्रेनिंग हर एक जगह पे पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि हर एक एरिया का ट्रेंड अलग होता है, वहाँ के रिसोर्सेस अलग होते हैं लोकेलिटी के हिसाब से, और रिसोर्स जिस तरह से है उस हिसाब से वहाँ पे ट्रेनिंग चलती है। अभी सिलवासा की बात करें, दादरा नगर हवेली की बात करें, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर में जनरली डेयरी, पोल्ट्री और मशरूम कल्टीवेशन ज़्यादा चलता है। इसके बाद वुमेन्स टेलर, फिर ब्यूटी पार्लर, अचार पापड़ है, अगरबत्ती है, इस टाइप के ट्रेनिंग ज़्यादातर चलते हैं, और वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, इस टाइप के ट्रेनिंग ज़्यादातर चलते हैं। इसमें से जो एग्रीकल्चर रिलेटेड ट्रेनिंग्स है, ये हम ऑफ कैंपस, मतलब कैंपस के बाहर जाके उस लोकेशन पे जाके दे सकते हैं, और बाकी सभी ट्रेनिंग्स पार्लर, वुमेन्स टेलर या फोटोग्राफी है, टू व्हीलर मैकेनिक, ये सभी ट्रेनिंग के लिए कैंडिडेट को इंस्टीट्यूट में आना पड़ता है। इंस्टीट्यूट का स्ट्रक्चर भी वेल प्लान्ड होता है, 2 क्लासरूम्स, वर्कशेड, हॉस्टल में रहने की सुविधा होती है, उसके बाद कैंटीन, ऑफिस या और आसपास में काम करने के लिए जगह, ये पूरा स्ट्रक्चर सेम होता है, और कैंडिडेट वहाँ रह के फुल्ली अपने काम पे फोकस कर सकता है। ये ट्रेनिंग के लिए भी बेसिक से बताऊँ तो हमें कैंडिडेट
जब जैसे कि मैंने बताया कि रूरल पे फोकस ज्यादा रहता है, तो रूरल में एक तो वहाँ के युवान अवेयर नहीं होते हैं, जैसे सिटी के लोग, सिटी के युवा रूरल क्षेत्र के युवा हम देखें तो हर कोई टेक्नोलॉजी और उससे एक्वेंट नहीं होता है। तो ये युवाओं को इन्फॉर्म करने के लिए, अवेयर करने के लिए हमें उनके घर तक पहुंचना पड़ता है। तो जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप है, अलग अलग मंडली होती है, युवा लोगों के ग्रुप होते हैं, उनका हम और हमारे स्टाफ कांटेक्ट करते हैं। कांटेक्ट करके उनकी मीटिंग रखते हैं, और उस मीटिंग में मतलब हम उसको ईएपी बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम, जिसमें कि हम उनको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, हमारी संस्था के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, और बिजनेस क्यों करना चाहिए, या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्यों जरूरी है, और उसके रिगार्डिंग स्वॉट एनालिसिस, जो स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट है अपने एरिया की और उस कैंडिडेट की, उसके बारे में हम वहाँ पे थोड़ी चर्चा करते हैं, उनको आइडिया देते हैं, और उस हिसाब से उस सामने वाले कैंडिडेट को अपना फील्ड या अपनी ट्रेनिंग चुनने के लिए हम चांस देते हैं। ऐसा नहीं कि हम जो चाहे वो ट्रेनिंग वो करें, नहीं, उसका जिस ट्रेनिंग में इंटरेस्ट है, वो जो आगे जिस क्षेत्र में बढ़ना चाहता है, उस क्षेत्र को चुनने के लिए हम उसके सामने ऑप्शंस रखते हैं, और वो कैसे चुना जाए ये स्वैट एनालिसिस में हम वो एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम में बताते हैं। वहां से एप्लीकेशन जनरेट होती है, एप्लीकेशन जनरेट होने के बाद ऐसा प्रोग्राम हम हर एक गांव में, हर एक पाड़े में, विलेज में करने के बाद एप्लीकेशन जनरेट आती है, 25 से 35 एप्लीकेशन उस ट्रेड में होने के बाद हम वो ट्रेनिंग चालू कर देते हैं। अब कई ट्रेनिंग 6 दिन की है, कुछ 10 दिन की, कुछ 13 दिन की, कुछ 30 दिन की है, और कुछ 45 दिन की है। लेकिन ये ट्रेनिंग का शेड्यूल सेशन वाइज फिक्स रहता है, जो मिनिस्ट्री ने दिया गया है, और हमारी अपेक्स इंस्टीट्यूट है, वो जिस हिसाब से वो शेड्यूल है उस हिसाब से ट्रेनिंग चलती है। ये जो ईएपी है, ये कैंडिडेट के लिए है। उसके बाद हम सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम भी करते हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स, टीचर्स लोग हैं या एनजीओ के लोग हैं, उनको संस्था के बारे में और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में अवेयर करना है, ताकि वो लोग भी उनके कांटेक्ट में आने वाले कैंडिडेट को हमारी संस्था में भेज सके। ये सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम हो, इस तरह से हम एप्लीकेशन जनरेट करते हैं। एप्लीकेशन हमारे पास आने के बाद ट्रेनिंग शुरू होती है। जैसे मैंने बताया कि ये इंटेंसिव, शॉर्ट ड्यूरेशन और रेसिडेंशियल ट्रेनिंग होती है। इसमें जो 60 टाइप की ट्रेनिंग है, किसी भी ट्रेनिंग में कैंडिडेट के पास से कोई भी फीस नहीं ली जाती, ये सभी ट्रेनिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ में वहाँ पे रहना और खाना ये भी फ्री में दिया जाता है, कैंडिडेट को 1 रुपये की भी फीस नहीं ली जाती कैंडिडेट के पास। सिर्फ उनको अपना टाइम देना है और अपने हुनर को चमकाना है, हुनर को आगे लाना है। इंस्टीट्यूट में आने के बाद, जैसे मैं थोड़ा एक कोई भी एक ट्रेनिंग का स्वरूप बताता हूँ किस तरह से ट्रेनिंग होगी। शुरुआत में उनका रजिस्ट्रेशन और इनोग्रेशन हो जाता है, उसके बाद हम माइक्रो लैब और आइस ब्रेकिंग कराते हैं, जिससे कि वो कैंडिडेट जिले के अलग अलग भाग से आए हुए रहते हैं, अलग अलग उनके एनवायरमेंट अलग होता है, उनका रहन सहन अलग होता है। तो माइक्रो लैब आइस ब्रेकिंग से हम सब एक दूसरे का इंट्रोडक्शन कराते और उनके अंदर जो कुछ भी इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स है, एक दूसरे बात नहीं करना, अलग अलग ग्रुप में रहना, वो सब उस माइक्रो लैब आइस ब्रेकिंग से हम दूर करते हैं, सबको एक टीम बनाते हैं, एक फैमिली बनाते हैं। उसके बाद सेशन वाइज ट्रेनिंग चालू होती है। हर एक ट्रेनिंग में सिर्फ हम भी हम मान ले कि हम फोटोग्राफी का ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो सिर्फ ये फोटोग्राफी नहीं सिखाया जाता है, फोटोग्राफी तो हार्ड स्किल हुआ, उसके साथ उसको आगे बिजनेस करना है, उसके लिए जो भी सॉफ्ट स्किल लगेंगे वो सॉफ्ट स्किल भी दिए जाते हैं। जैसे कि पहले ही दिन उनसे सेल्फ अवेयरनेस, उनका सेल्फ अवेयरनेस जागरूक किया जाता है, अचीवमेंट मोटिवेशन के लिए उनको लेक्चर्स होते हैं, ह्यूमन रिलेशन पे उनको समझाया जाता है, ताकि उसके अंदर जो डर है वो निकल जाए और उसका कॉन्फिडेंस बढ़े। तो पहले दिन के सेशन इस हिसाब से होते हैं कि जैसे कि कैंडिडेट थोड़ा इंस्टीट्यूट से और एक दूसरे से घुल मिल जाए, और जिस वातावरण से आया हुआ है वो वातावरण को थोड़ा सा भूल जाए, तो रेसिडेंशियल होने का ये इफेक्ट होता है। नहीं तो और प्रकार की ट्रेनिंग में क्या होता है,
कैंडिडेट जाएगा 4-5 घंटे 6 घंटे कुछ भी सीखेगा और वहां से फिर अपने घर जाएगा, फिर वही एनवायरनमेंट में जाएगा, जो भी सीखा गया 5-6 घंटे का वो भूल सकता है। तो रेसिडेंशियल का ये इम्पैक्ट ज्यादा रहता है। उसके बाद हार्ड स्किल तो मतलब ट्रेनिंग जिस चीज की है वो ट्रेनिंग दिया ही जाता है, साथ साथ सॉफ्ट स्किल जैसे मैंने बताया, पहले दिन उनका परिचय हो गया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में, अचीवमेंट मोटिवेशन ह्यूमन रिलेशन हो गया, उसके बाद उनसे वो गेम भी खिलाए जाते हैं। 3 बिहेवियरल गेम हम अलग अलग टाइम पीरियड के बाद लेते हैं, जिसमें जी कि एक है पावर बिल्डिंग गेम होता है, जिससे अच्छा उसका डिसीजन मेकिंग और डिपेंडेंसी सिंड्रोम जिसको हम बोलते हैं वो कम होता है, या उसके पर हम फोकस करते हैं थ्रू दी गेम, ताकि सिर्फ हम लेक्चर दें और कोई गेम खेले उसका इफेक्ट बहुत जमीन आसमान का फर्क रहता है। गेम के माध्यम से जो सिखाया जाता है उसको लाइफ टाइम याद रहता है। तो ये गेम हुआ। फिर सेकंड रिंग टॉस आता है, जिससे कि उसको हम रिस्क, बिजनेस में रिस्क कैसी लेनी चाहिए, किस तरह से लेनी चाहिए, ना कि हाई रिस्क ना कि लो रिस्क, तो मीडियम प्रकार की रिस्क लेके कोई भी गेम में कोई भी बिजनेस में आगे बढ़ना चाहिए, ये हम रिंग टॉस गेम के माध्यम से उसको सिखाते हैं। और लास्ट में आता है बोट मेकिंग का गेम, जो हम बच्चे जो बोट बनाते हैं, नाव पानी में छोड़ते हैं, वो बोट बनाने का गेम होता है। उस गेम से दो दो चीजें सीखने को उनको मिलती है कि एक तो टाइम कमिटमेंट, आजकल हम देखते हैं किसी भी सर्विस या प्रोडक्ट के लिए हम जाए जो बनाता है, जैसे कि हमारे मानो कपड़े हम सिलाने के लिए देते हैं तो दिए गए टाइम पे हमें बहुत कम बार मिलते हैं, कल आना परसों आना ऐसे बहुत जगह पे होता ही है, या कोई भी चीज हमने सर्विसिंग के लिए दी हुई है, कोई मानो कि टीवी फ्रिज मिक्सर कोई भी हमने दिया है तो सर्विस करने के बाद वो टाइम पे हमें नहीं मिलता, तो ये टाइम कमिटमेंट का इम्पोर्टेंस इस गेम से हम सिखाते हैं। और दूसरा है क्वालिटी कंसर्न, बोट किस क्वालिटी की बनेगी, इस पर से अपने सर्विस की क्वालिटी, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, ये गेम के माध्यम से सिखाते हैं। तो जो भी कैंडिडेट अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करके आगे बढ़ता है। तो ये गेम्स, उसके बाद मैनेजर के सेशन होते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि जब हम घर से या एजुकेशन से बाहर निकल जाते हैं तो हर एक कदम पे प्रॉब्लम आते ही है, तो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, प्रॉब्लम से भागना नहीं है, प्रॉब्लम से कैसे फेस करें, सॉल्व करना है, होनी चाहिए इससे प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो भी हमारे सक्सेसफुल कैंडिडेट इसके पहले ट्रेनिंग में जो सक्सेसफुल हुए हैं, अच्छे से अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, उनको हम इनवाइट करते हैं उनके एक्सपीरियंस ट्रेनिंग के और बिजनेस स्टार्टअप करने के, उसके बारे में वो बताते हैं कैंडिडेट, उनसे सवाल जवाब करते हैं। उसके बाद आता है यूनिट विजिट, कोई भी सक्सेसफुल यूनिट है उसकी हम विजिट पे ले जाते हैं कैंडिडेट को, ताकि उसका वो सेटअप देख सके और अपना बिजनेस उस हिसाब से प्लान कर सके। उसके बाद मार्केट सर्वे आता है, ये हम थियरी भी सिखाते हैं और कैंडिडेट को एक टास्क भी देते हैं कि मार्केट में जाके जो ट्रेड वो सीख रहे हैं उस ट्रेड के रिगार्डिंग मार्केट सर्वे करें और उसका रिपोर्ट सबमिट करें। उसके बाद आता है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाया जाता है वो सिखाते हैं, ताकि वो आगे जाके बिजनेस की अगर लोन लेनी हो उनको तो बैंक में प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपना खुद से तैयार करें, ना कि किसी और से तैयार करवाए। हम ये बहुत अभी एज बैंकर होने की वजह से हम ये बहुत फेस करते हैं, किसी भी लोन के लिए कोई कैंडिडेट आता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेके आता है, उस पे सिर्फ उसको खुद का नाम पता होता है, बाकी अंदर क्या मसाला डाला हुआ है कुछ पता नहीं होता। तो अगर वो खुद ने वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया है तो उसको एक एक लाइन, एक एक वर्ड, एक एक फिगर उसको पता होती है कि मुझे लोन कितने की चाहिए, मशीनरी कितने की लाएगा, बाकी सर्विसेज में कितना खर्चा आएगा, बैंक में ब्याज कितना लगेगा, उसका इंस्टॉलमेंट कितना भर पाएगा, और इंस्टॉलमेंट जाने के बाद उसके खुद के खर्चे के लिए कितना बचेगा। तो अगर ये खुद प्रोजेक्ट प्रिपेयर करता है तो सामने बैंकर को भी पता चलता है कि नहीं, ये कैंडिडेट खुद से स्टडी करके आया है, इसको अपने बिजनेस के बारे में और जो भी प्रॉफिट नुकसान होने वाला है उसके बारे में सब पता है,
उसका प्रपोजल अप्रूव होने में या कंसिडर होने में आसानी रहती है, जैसे मार्केट सर्वे हुआ, फिर बैंकिंग और बुक कीपिंग जी। जो कि बहुत जरूरी है किसी भी बिजनेस में, क्योंकि कोई भी बिजनेस करे तो बैंक के अलावा हो नहीं सकता, चाहे लोन ले या ना ले, लेकिन बैंकिंग रिलेशन को उसको रखना ही है बिजनेस में। तो बैंकिंग के बारे में डिपॉजिट एडवांसेस है उसके रिगार्डिंग हम बताते हैं, और बुक कीपिंग रूरल एरिया में जनरली खास करके हम ये देखते हैं कि बिजनेस के लोग 5 साल 10 साल 20 साल से कर रहे हैं, लेकिन बुक कीपिंग ऐसा कुछ नहीं। बहुत सारे लोग तो अपना आईटी रिटर्न वगैरह तो भरते ही नहीं है क्योंकि उनको उसके बारे में पता भी नहीं होता है, और बुक कीपिंग तो दूर की बात है। ये सब बुक कीपिंग और बेसिक टैक्सेशन जो है उसके रिगार्डिंग में ये ट्रेनिंग में उनको सिखाया जाता है, और लास्ट में लॉन्चिंग फॉर्मेलिटीज, बिजनेस अपना लॉन्च करना है तो उसके लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए, कहाँ से लाइसेंस लेने हैं, एग्रीमेंट कैसे बनाना है, अपनी बिजनेस की या शॉप की जगह कैसे सिलेक्ट करनी है, ये सब लॉन्चिंग फॉर्मेलिटीज लास्ट के दिन उनको सिखाई जाती है। तो ये ओवरऑल हार्ड स्किल के साथ साथ सॉफ्ट स्किल का भी ट्रेनिंग, 25% सॉफ्ट स्किल ही दिए जाते हैं, 75% हार्ड स्किल होते हैं, तो इस दोनों के साथ वो जो कैंडिडेट है वो अच्छी तरह मोल्ड हो जाता है और मार्केट में उतरने के लिए वो रेडी हो जाता है। भले ये शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग है, 10 से 45 दिन की ट्रेनिंग है, लेकिन उसमें भी पहले दिन जो कैंडिडेट हमारे पास आता है और लास्ट के दिन जो बाहर निकलता है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। वो अपने आप आत्मनिर्भर बनने के लिए रेडी होते हो जाता है, खुद पे कॉन्फिडेंट हो जाता है, और हमारे जो ट्रेनिंग सेशन चलते हैं उसमें सुबह उठने के बाद से योगा होता है, 20 मिनट से आधे घंटे तक योगा सेशन होते हैं, उसके बाद कैंडिडेट रेडी हो जाए नाश्ता करके क्लासरूम में आए, उसके बाद पहला सेशन प्रेयर के बाद मिली होता है, मिली मतलब MILLY, मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन लर्न्ड यस्टरडे, कल जो भी हमने सीखा है उसमें से उस कैंडिडेट को क्या क्या इम्पोर्टेंट लगा या वो कल क्या सीखा है, वो हम रोज 5 कैंडिडेट से सामने आके बुलवाते हैं ताकि उसका कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाए और कल का रिविजन वो घर अपने हॉस्टल में जाके वो करे, कल का रिविजन वो लिख दे, उसको बुक भी दिया जाता है, एम्प्टी मैनुअल हम उसको बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप मोटिवेशनल बुक आती है तो उसमें वो लिखता है और दूसरे दिन आके बोलता है। उसके बाद सेशन चालू होते हैं, फिर कुछ इंटरवल 4-5 दिन के इंटरवल के बाद सब लोगों से श्रमदान भी करवाते हैं, पौधे लगाना है, इंस्टीट्यूट को साफ करना है, अपने क्लासरूम साफ करने हैं, हॉस्टल साफ करना है, ताकि ये सब गुण ये सब एक्टिविटी उसमें आ जाए, अपने बिजनेस में अपने घर में ये सब वो कर पाए और सेल्फ रिलायंट हो जाए, अपने उसने अगर काम करने के लिए लोग भी रखे वो भी किसी दिन आए नहीं है तो सेल्फ डिपेंडेंट होके अब सब काम खुद से कर सके, ऐसा एक ओवरऑल पैकेज बोले हम इस ट्रेनिंग में उसको दिया जाता है, और वो सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए ये सब चीजें उसको जरूरी होती है। जी रमेश, बहुत ही बढ़िया ये आपकी जो ट्रेनिंग का आपने जो वर्णन किया, जैसे कहते हैं ना कि बच्चा पैदा होता है और जवानी तक माँ बाप जैसे बड़े करते हैं, वैसे एक बार आपके पास जो आ गया तो वो फिर फुल फ्लेज एक एंटरप्रेन्योर बन के ही निकल सकता है, ऐसा मैं कह सकती हूँ। पर कभी कभी जब भी जैसे आप लोग ने ट्रेनिंग दे दी, उन्होंने अगर अपना बिजनेस भी चालू किया तो उसके बाद में आपका कोई रिव्यू सेशन भी होता है, जैसे फीडबैक टाइप के, जैसे उन्होंने वो किया करने के बाद में बिजनेस चालू किया तो एक फीडबैक सेशन जैसा आपका होता है। और दूसरा मतलब जैसे कई बार क्या होता है ना कि गवर्नमेंट बहुत कुछ करती है लेकिन बहुत बार कभी जो फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है उसके वैल्यू इतनी लोगों को नहीं रहती है। सो आपने कभी ऐसे अनुभव किया कि जैसे थोड़ी सी भी हल्की सी फीस हो तो और सीरियसनेस शायद स्टूडेंट्स में जो ट्रेनिंग ले रहे हैं उसमें ज्यादा हो सकती है, ऐसा कभी आपने महसूस किया? मतलब
पार्डन, दूसरा सवाल समझ नहीं पाया, आवाज क्लियर नहीं नहीं, आई। दूसरा सवाल मैंने, पहला सवाल पूछा जो कि पहले सवाल का पहले फीडबैक मैं आंसर दे। देता हूँ जी 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 जी। फीडबैक में ऐसा है कि हम ट्रेनिंग के बाद उस कैंडिडेट का 1 साल तक फॉलोअप रखते हैं, जैसे कि मंथली हो क्वार्टरली हो, उसके साथ फोन पे बात होती है या उसकी फिजिकल विजिट भी होती है। हमारे स्टाफ से एक बार उसको जाके मिलते हैं, उसको बिजनेस सेटअप करने में या बैंक से लोन लेने में अगर कोई दिक्कत आती है तो उसके रिगार्डिंग उससे बात होती है और उसके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम उसको मदद करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, प्रोजेक्ट रिपोर्ट वो खुद बनाते हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड मित्र जो गवर्नमेंट का पोर्टल है लोन अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन, वो लोन एप्लीकेशन भी हम अपने यहाँ से कर लेते हैं। हम स्टैंड अप मित्र पे हम मित्र के हम स्टैंड अप मित्र जो पोर्टल है उस पे हम उसका एप्लीकेशन डाल देते हैं। उसकी जो भी बैंक है उसके बारे में, उस बैंक को प्रपोजल ऑनलाइन ही चला जाता है। फिजिकल चाहिए तो फिजिकल भी हम उसको प्रपोजल बना के दे देते हैं, वो अपनी बैंक में जाके सबमिट कराता है। तो इस तरह का फॉलोअप 1 साल तक हम उसका रखते ही है। सेटल होने के बाद भी बिजनेस कैसा चल रहा है उसका भी फॉलोअप रहता है। साल में एक बार ये जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है उनकी हम मीट भी लेते हैं और उनके प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए हम आरसेटी बाजार का आयोजन करते हैं। जैसे कि जितने भी कैंडिडेट ट्रेन हो चुके हैं और जो प्रोडक्ट फील्ड में है, प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनके प्रोडक्ट बेचने के लिए, उनको थोड़ा मोटिवेट करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए आरसेटी बाजार, जहाँ पे हर कैंडिडेट अपना प्रोडक्ट लेके आएगा। और जैसे कि मेरे कैंटीन होता है, उस कैंटीन में हम अपना आरसीटी का शॉप लगाते हैं, वहाँ अपने प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रमोशन उसमें। तो आगे मैंने मतलब आपको वही वो क्वेश्चन भी पूछा था कि जैसे आपने आपका जो ट्रेनिंग है वो टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसमें कोई भी फीस या कुछ लेते नहीं है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब भी फ्री में आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो और जब भी आप थोड़ी सी भी मिनिमम फी लेके ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो तो उसमें फर्क हो सकता है, क्योंकि जो सीरियसनेस जब भी हम पॉकेट से पैसे देते हैं तो उसकी थोड़ी सीरियसनेस शायद ज्यादा आती है, और जो क्वालिटी ऑफ रिस्पॉन्स है या क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग जो लोग लेते हैं उसमें थोड़ा मेरे ख्याल से फर्क पड़ता है। तो आपने कभी ऐसा अनुभव किया आपके ये करियर के दौरान कि ऐसा भी हुआ है कि लोगों को उसकी वैल्यू नहीं रहती है बहुत बार? नहीं, जनरली आपकी बात सही है। जनरल कोर्स में ये होता है, जो फ्री की कोई भी चीज है उसकी वैल्यू कम रहती है। जब हम खुद के जेब से कुछ पैसा डालते हैं तो उसकी वैल्यू जाहिरन ज्यादा होती है। लेकिन हमारा जो मेन उद्देश्य है आरसीटीज का, वो है रूरल एरिया और वहाँ के रूरल पुअर, बीपीएल पहले बोलते थे, अभी रूरल पुअर बोलते हैं, जो बाकी सब इंस्टीट्यूट के पास या बाकी सब फैसिलिटीज के पास पहुंच नहीं पाते हैं। तो हम खुद सामने से उसके पास पहुंचते हैं और उसको वो ट्रेनिंग देते हैं। अगर ये नहीं हो तो वो सामने आने वाला नहीं है, उसकी जैसे जिंदगी है वो खेती करेगा, मजदूरी या जो भी करेगा वैसे ही चलने वाली। तो हम सामने से उसके पास जाते हैं और उसको ट्रेनिंग के लिए मोटिवेट करते हैं, ट्रेनिंग के लिए लाते हैं। अभी लाने के बाद हम उससे फीस भी मांगेंगे तो भले वो 100 रुपये भी मांगे या 500 रुपये मांगे, वो लोग जाहिर है कि उसमें से 20-25 या 30% लोग नहीं आए। तो गवर्नमेंट का ये उद्देश्य है कि कोई भी इस ट्रेनिंग का लाभ लेना चाहे तो वो पैसे की वजह से इससे वंचित ना हो, इस हिसाब से ये फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया है। उसको ट्रेनिंग, ट्रेनिंग मटेरियल, रहने का, खाने का सुविधा गया है इसके। अच्छा, नहीं अच्छी बात है, जो गवर्नमेंट की सोच है वो भी अच्छी है, क्योंकि रूरल डेवलपमेंट में लोग जल्दी पढ़ते नहीं है जो इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह है। और मेरे ख्याल से दादरा नगर हवेली सिलवासा के एरिया पूरा आदिवासी एरिया है, कि
कि जहाँ पर इतना क्वालिफाइड लोग आपको मिलेंगे नहीं। और दूसरा एक ये भी है कि जैसे रमेश जी, इनका भी ब्रह्मा कुमारी के साथ जुड़े हुए है ये अपने सिलवासा सेंटर से, तो मैं भी उनको आज ही ऑनलाइन मिल रही हूँ सिलवासा के बेनिफिट सेंटर के थ्रू। तो एटलीस्ट वो भी उनको एक बेनिफिट देता है जब भी हम ये करते हैं, तो इट इज लाइक यू नो एक टाइप ऑफ एक्ट ऑफ अ गुडनेस भी हो जाती है जब भी आप इन लोग से डील करते हो। और ऐसा भी सुनील जी हुआ होगा कि बहुत बार ऐसे स्टूडेंट्स या ऐसी जो एप्लीकेंट्स आते हैं जो ट्रेनिंग लेने के लिए, कि जिन्हें कभी काउंसलिंग की भी जरूरत पड़ती है, तो वो टाइप में हमारी जैसी संस्था उसमें काम कर सकती है। जैसे जो बच्चे हैं जिनको डिप्रेशन है या दूसरी कोई प्रॉब्लम्स है, तो तभी हमारे जैसे लोग भी आपके साथ जुड़कर उसको उसका हम भी लाभ ले सकते हैं बेसिकली। तो उसके बारे में आपका क्या सुझाव है? और मैं ऐसा मानती हूँ कि जो गवर्नमेंट का भी एक ये अच्छा स्टैंड है कि फ्री ऑफ कॉस्ट इतना आदिवासी लोगों को ट्रेन करना, उनको अपने आत्मनिर्भर बनाना, जो गवर्नमेंट की बहुत ही अच्छी कोशिश है। अदरवाइज नॉर्मली सबको लगता है कि गवर्नमेंट कुछ करती ही नहीं है, पर गवर्नमेंट बहुत सारी चीज करती है जो हम लोगों तक पहुंचती नहीं है, क्योंकि जो सिटीज में रहते हैं उनको ये सब चीजों का अंदाजा नहीं होता है कि क्या हो रहा है। और जब भी हम ऐसे रूरल एरियाज में जाते हैं कि जहाँ पर आदिवासी एरिया है, कि जहाँ पे जैसे कहते हैं कि बैकवर्ड टाइप ऑफ पीपल आर देयर, तो वहां पर डेफिनेटली, क्योंकि गवर्नमेंट सबसे पहले बिलो पॉवर्टी लाइन है उन लोग को ही ऊपर उठाएगी। और वो जो काम अगर जब भी हमें देखना है कि गवर्नमेंट क्या करती है, तभी हमें ये सब एरिया में जाकर देखना चाहिए। नहीं तो आम लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है। तो आप जो आज आपने हमको इतनी हाइलाइट्स दी, उससे मुझे, मैं श्योर हूँ कि हमारे यूथ का और हमारी जनरल पब्लिक का डेफिनेटली गवर्नमेंट के प्रति का जो सोच है वो थोड़ा उसमें बदलाव आएगा, और वो अप्रिशिएट करेंगे कि गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही है। और हमसे जो गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, जो हमारे जैसे सैलरी एम्प्लॉयड से, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट अच्छे कार्यों में भी ये लगाती है। खाली ऐसा नहीं कि रोड डेवलपमेंट और ब्रिज वगैरह के कार्यों में ही लगाती है, बट ऐसे कार्यों में भी लगाती है। तो ये बहुत ही अच्छा, आज का जो विषय में आपने ये जो चर्चा की, उससे मुझे लगता है कि जो जनरल पब्लिक जो सुन रही है, देख रही है, उनका भी थोड़ा रवैया बदल जाएगा। तो राइट, और रमेश एक जी, हाँ जी, रमेश, एक मिनट। ये जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के बाद तो उनका नेटवर्क इश्यू है सुनील जी का। प्लम्बर सुनील जी थोड़ा सा है, री तो थोड़ा नेटवर्क का इश्यू आ रहा है थोड़ा जी। नेटवर्क इश्यू है आपका सुनील जी। कोई बात नहीं, हम लोग चाहेंगे कि आप जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं, और कुछ लोगों को आप प्रफुल गंगुरडे लिखते हैं, काइंडली प्रोवाइड द कॉन्टेक्ट नंबर एंड द ऑफिस एड्रेस, वेरी मच नीडेड ऑनवर्ड्स नाउअडेज। प्रफुल जी ने लिखा है सुनील जी आपके लिए, काइंडली प्रोवाइड द कॉन्टेक्ट नंबर एंड ऑफिस एड्रेस सो दैट वी कैन कॉन्टेक्ट यू। प्रफुल जी लिखते हैं, और SPD लिखते हैं, एक्सेलेंट जॉब बीइंग डन बाय यू, कीप इट अप, गॉड ब्लेस यू।
इसके बाद में एसपीडी लिखते हैं। यस आ रही आवाज दमेश राइट हाँ आ रहा है आवाज आपको, फोन नंबर और एड्रेस दे सकते हैं कि जी 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 पहले थोड़ा दो मिनट में बता दूं, ये जो भी कोर्सेस है वो NSQF जैसे नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क से अलाइन है, जिसके लेवल 2 से 4 तक है, 2, 3, 4 लेवल की कोर्स है। जैसे कि मैंने बताया कोई भी स्किल, जैसे हमने प्लम्बर या कोई सुतार का किसी का भी हमने एग्जाम्पल लिया, इलेक्ट्रिशियन है, तो उसकी लेवल हमें पता नहीं चलती कि वो क्या लेवल का है, उसको क्या स्किल या क्या सैलरी मिलनी चाहिए। तो ये गवर्नमेंट ने NSQC कमेटी बनाई और उसके थ्रू NSQF कोर्सेस अलाइन किए गए हैं नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। जो हम जो कोर्स करते हैं वो सब कोर्स ये NSQF से अलाइन कोर्स है, और जिसके लेवल 2 से लेके 4 तक लेवल है। और ट्रेनिंग के बाद लास्ट के दिन इन सब का असेसमेंट भी किया जाता है। वो असेसमेंट हम नहीं करते, एक्सटर्नल एजेंसी करती है, वो आके उनका एग्जाम, इंटरव्यू, प्रैक्टिकल सब लेते हैं, और उसके बाद उनको क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। तो ये दो चीजें रह गई थी। तो सिर्फ ट्रेनिंग नहीं होता है, उसका क्वालिटी भी चेक किया जाता है कैंडिडेट का भी, और हम किस टाइप से किस प्रकार से ट्रेनिंग दे रहे हैं उसका भी, वो भी दोनों चीजें चेक की जाती है। अच्छा ये एक प्रफुल जी पूछ रहे हैं कि आप क्या नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं या एड्रेस ऑफिस का, जहाँ से हम लोग इस ट्रेनिंग के बारे में जानकारी उठा सकते हैं। जी ये बताना चाहूंगा कि सिलवासा यहाँ का तो एड्रेस मैं बताता हूँ, लेकिन ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हर एक डिस्ट्रिक्ट में है। उस डिस्ट्रिक्ट की जो भी लीड बैंक है वो लीड बैंक ये इंस्टीट्यूट रन करती है। तो आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट का नाम और RCT डालेंगे तो आपको नेट पर उसका एड्रेस फोन नंबर मिल जाएगा। हमारा सिलवासा का दादानगर हवेली का जो इंस्टीट्यूट है वो खानवेल में है, खानवेल हॉस्पिटल के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उसके बाजू में है। और कॉन्टैक्ट नंबर के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप ले सकते हैं, सुनील माड़ी, 9730736836। तो सिलवासा के रिगार्डिंग जो कुछ भी क्वेरी हो, ट्रेनिंग के रिगार्डिंग कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी डिस्ट्रिक्ट के RCT के बारे में पूछना है तो मुझे भी पूछ सकते हैं, मैं वहां का एड्रेस और फोन नंबर आपको दे सकूंगा। जी चलिए स्क्रीन पे आप लोग नंबर देख सकते हैं सर का, और इसी नंबर पे आप मैसेज कीजिए, और व्हाट्सएप भी होगा तो व्हाट्सएप करके फिर आप उनसे बात करें। तो चलिए मुझे लगता है प्रफुल्ल जी आपने जो सवाल पूछा आपका जवाब मिल गया आपको, और पूरे ही डिस्ट्रिक्ट में जहाँ भी जो मेन ब्रांच है उसी के रिलेटेड ये ट्रेनिंग्स चलते हैं बैंक से, तो आप वहाँ से भी आप पूरी ट्रेनिंग की जानकारी ले सकते हैं, नेट से भी ले सकते हैं, नहीं तो आपको नंबर मिल ही गया है हाथ तो आप फोन करके भी ले सकते हैं। तो चलिए जाते जाते मैं एक और बात पूछना चाहूँगा, जैसे कि हम लोग कुछ जगह पे अगर नहीं हो तो वो पता कर सकते हैं, तो आप ट्रैवल कर सकते हैं, या फिर वहाँ पर अगर ट्रेनिंग लेने में दिक्कत आ रही है तो भी आप फोन करके पूछ सकते हैं कि वो वहाँ पर नहीं है, क्या कारण है, वो भी जान सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक हमारे यूथ के लिए बहुत बड़ा चैप्टर है, और जो भी इंटीरियर गांव में रहते हैं आदिवासी में, और आबू रोड के आसपास में भी काफ़ी जो है आदिवासी इलाका है जहाँ बहुत सारे यूथ हैं, उनके लिए भी ये अच्छा रहेगा। तो मैं चाहूँगा कि हमारे आबू रोड के आसपास में जो आदिवासी इलाका है वो भी इस नंबर का बेनिफिट ले और ट्रेनिंग ले, और इसका अच्छा उपयोग करके अपना लाइवलीहुड को अच्छा करे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करे, एक दूसरे को हेल्प करें। तो विशाल जी लिखते हैं, प्राउड ऑफ यू सर, थैंक यू वेरी मच श्री सुनील सर फॉर प्रोवाइडिंग वेरी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन। थैंक यू विशाल, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। तो चलिए वक्त हो गया, धीरे धीरे हम लोग आगे चल के कुछ अगर ट्रेनिंग ऑनलाइन वाला कोई हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं सुनील सर, अगर बच्चों को ऑनलाइन आप करवाना चाहते हैं किसी ट्रेनिंग, जिससे वो सफिशियंट इंफॉर्मेशन उनको मिल सके और वो चीज़ें प्रैक्टिस कर सके और अपना लाइवलीहुड को अच्छा बना सके। और जाते जाते मैं कहूँगा हेमलता जी को एक छोटा सा गीत फिर सुनाए सुनील जी के लिए, एक गाना डेडिकेट करें, उसके बाद हम लोग पूरा करेंगे। अगर किसी के पास कोई सवाल हो, जैसे प्रफुल्ल जी ने सवाल पूछा था, तो जो देख रहे हैं श्रोता मित्र और दर्शक मित्र वो भी सवाल कमेंट कर सकते हैं, जब तक हेमलता जी एक गीत सुनाए। जी सर, थैंक यू।
और उसके पहले एक मैं पॉइंट मुझे बोलना था सुनील जी आपको, कि जैसे 4-5 दिन का आपका कोई सीरीज आप ले सकते हो हमारे साथ में, कि जिसमें छोटी छोटी ट्रेनिंग के बारे में आप बताना चाहते हैं, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का एक सीरीज 4-5 दिन का आप ले सकते हैं और ऑनलाइन ट्रेनिंग आप करा सकते हो। तो उसके लिए आप रमेश जी को या मुझे भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिलेगी। ओम शांति। जी सर, शुरू करो। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल शुरू। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। पखिया मन के खोल, तुझको दर्शन वो कराएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, है राम रमैया वो, है कृष्ण कन्हैया वो, वही मेरा मित्र है। सत्कर्म राहों पे चलना सिखाते वो, वही जगदीश है। प्रेम से पुकार, प्रेम से पुकार, तेरे पाप वो जलाएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, कृपा की छाया में बैठाएंगे तुझको, कहाँ तुम जाओगे। उनकी दया दृष्टि जब जब पड़ेगी तुम, ये भाव तर जाओगे। ऐसा है विश्वास, ऐसा है विश्वास, मन में जोत वो जलाएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। अखियां मन की खोल, अखियां मन की खोल, तुझको दर्शन वो कराएंगे। अखियां मन की खोल, अखियां मन की खोल, तुझको दर्शन वो कराएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे, थोड़ा ध्यान लगा। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू हेमलता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। एंड सुनील सर, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, और बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने दिया कि कैसे हम लोग युवाओं को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जो ट्रेनिंग है, और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम आपने कहा कि अबाउट 60 कोर्सेस है, लोग उसमें से जो उनकी रुचि वाला कोर्सेस है वो भी करने से उनका जीवन परिवर्तन हो सकता है, वो अपने परिवार को अच्छी तरह से संभाल सकता है। तो निश्चित तौर पर आप इस ट्रेनिंग को करना चाहिए आप सभी युवाओं को, जो भी सोच रहा है कि मुझे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना है और दूर दराज में रहते हैं, गांव में रहते हैं, तो आपके लिए रेसिडेंस की सुविधा है और बहुत ही शॉर्ट टर्म कोर्सेस है, ये प्लस पॉइंट है, और 3 से 4 दिन में आपको ये कोर्सेस का पूरा अनुभव हो जाता है
और पूरी तरह से एक प्लस पॉइंट यहाँ पर सुनील जी ने और बताया, सिर्फ वो वर्कआउट क्या करना है, कौन सा बिजनेस, ये नहीं बताते, पर उस बिजनेस के साथ साथ आपको मैनर्स सिखाए जाते हैं, आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए, आपका एक इंसानियत क्या होना चाहिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि जब हम लोग अच्छे इंसान होंगे तो अच्छा काम करेंगे, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है जो हम सभी को, ये ऐसा कह सकते हैं कि हार्डवेयर के साथ सॉफ्ट स्किल भी सिखा रहे हैं, तो ये प्लस पॉइंट है आप सभी के लिए। तो ज़रूर सुनील सर जैसे लोगों से मिलिए और अपना जीवन को अच्छा बनाइए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से सुनील माली सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं करते हैं। दो लाइन सब युवाओं के लिए, मंजिलें तो मिल ही जाएगी भटकते ही सही, मंजिलें तो मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो सब युवाओं से यही कहना चाहूंगा कि अपनी मंजिल तो पानी है, सपना है, अपनी एक एम है, लेकिन उसके लिए हम घर से बाहर निकलना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए अच्छे एटीट्यूड के साथ, अच्छे मैग्नीट्यूड के साथ अगर कोशिश करेंगे तो आप जरूर सफल रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शिवनेहा जी और रमेश जी बहुत बहुत थैंक यू, आपने मुझे इस शो में बुलाया और सबके साथ बातें करने का ये मौका दिया, खूब खूब धन्यवाद। अगर किसी को भी कुछ जरूरत है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में कुछ भी पूछना हो तो नंबर दिया हुआ है, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू। थैंक यू सुनील जी, थैंक यू हेमलता जी, थैंक यू शिवनेहा जी। चलिए दोस्तों, आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में हमने देखा कि किस तरह से एक संस्थान के माध्यम से ये ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है और सरकार इसके लिए इनिशिएटिव लेकर विशेष अच्छे ट्रेनर्स को रख के ट्रेनर्स के साथ आपको जोड़ देता है ताकि आप अपना बिजनेस छोटा बड़ा जो भी आपकी रुचि के अनुसार उन चीज़ों को कर सकते हैं। आपके पास 1, 2, 3, 4 ऑप्शन है, बिल्कुल 60 अलग अलग ऑप्शन हैं। किसी भी ऑप्शन में जो आपका रुचि का विषय है उसी विषय को लेकर आप शॉर्ट टर्म कोर्सेज करके बिजनेस स्टार्टअप करें और अच्छा कमाए, अपना और देश का नाम रोशन करें, एक अच्छे इंसान का, एक अच्छे पर्सनालिटी का साक्षात्कार लोगों को आगे कराएं। इन शुभकामनाओं के साथ फिर मिलेंगे। सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति।